आज हम कक्षा 12वीं का ग्रह विज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रह विज्ञान। और ग्रह विज्ञान का इकाई सात सात का आप पढ़ेंगे। और इसमें क्या चीज पढ़ेंगे? खाद्य पदार्थ में मिलावट। तो खाद्य या भोज्य पदार्थों में जो मिलावट होती है, उस मिलावट से क्या क्या हानियां हैं और वो मिलावट कैसे करी जाती है, उसका अर्थ और परिभाषा, और ये सब रोकने के उपाय भी पढ़ेंगे। तो स्वास्थ्य का आधार क्या है बच्चों, ये बताइए आप। स्वास्थ्य का आधार है भोजन। तो भोजन के द्वारा ही व्यक्ति का शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहता है। तो भोजन स्वास्थ्य का आधार है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ और शुद्ध भोजन करना आवश्यक होता है। कैसा भोजन करना आवश्यक होता है? साफ और स्वच्छ भोजन कर शुद्ध भोजन करना आवश्यक होता है। भोजन चाहे जितनी भी उत्तम विधि एवं सावधानी पूर्वक पकाया जाए, लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलता है जब हम शुद्ध भोजन का प्रयोग करते हैं। अन्यथा अशुद्ध भोजन हमारे लिए, हमारे शरीर पर इसका विपरीत प्रभाव डालते हैं। आजकल बाजार में खाद्य पदार्थों में मिलावट एक आम बात हो गई है। तो देखते हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट किस तरह की जाती है। अब देखते हैं भोजन में मिलावट की परिभाषा। तो भोजन में मिलावट का अर्थ है कि किसी भी भोज्य पदार्थ में अन्य सस्ते खाने या न खाने योग्य पदार्थों को मिलाकर भोज्य पदार्थों के मूल गुणों में कमी करना या उन्हें हानिकारक बनाना तथा व्यापारियों द्वारा अनैतिक लाभ कमाना, इसे ही मिलावट कहा जाता है। कि भोज्य पदार्थों में क्या है, सस्ते पदार्थ मिला दिए या खराब पदार्थ, हानिकारक पदार्थ जो खराब हो गए हैं, जिनमें छोटे छोटे जीव जंतु पड़ गए हैं, वो मिला दिए, उससे क्या हो जाता है? भोज्य पदार्थों का जो गुण होता है, मूल गुण, स्वास्थ्यवर्धक गुण जो होता है, पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है, उसमें कमी आ जाती है जो हानिकारक होता है। अब दैनिक आहार में प्रयुक्त होने वाले भोज्य पदार्थ अधिकतर मिलावटी होते हैं। जैसे दूध में पानी, आम बात है सब, दूध में पानी, अनाज, दाल, मसाले आदि में कुछ ना कुछ पदार्थों के छिलके, धूल, मिट्टी, कंकड़ आदि का मिलना आजकल क्या हो गया, एक आम या साधारण सी बात हो गई है। प्रायः देखा जाता है कि वस्तुओं के डिब्बों या पैकेटों पर, जो हम प्रायः वस्तुएं खरीदते हैं, खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, उनका जो पैकिंग होता है, पैकेट होता है, शुद्धता की मोहर तो अवश्य लगी रहती है कि ये 100% शुद्ध है, पर किसी स्पेशल ब्रांड का लेबल लगाकर उन्हें बेचा जाता है। इसका कारण पोषक शुद्धता रहित मिलावटी पदार्थों को छुपाना होता है। मिलावटी वस्तुएं लोगों द्वारा बड़ी चालाकी से बेची जाती हैं, और भोजन में मिलावट करके क्या होता है, भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों को हानि कारक बनाना, जिससे व्यापारियों को अनैतिक लाभ कमाते हैं। अब देखते हैं कि भोजन में मिलावट के तरीके कौन कौन से हैं, किस तरह से भोजन में मिलावट की जाती है। तो भोज्य पदार्थों से उनके पोषक तत्व, भोज्य पदार्थों से उनके पोषक तत्व पूरा या थोड़े आंशिक रूप से निकाल लिए जाते हैं। भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व
पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। फिर है दूसरा, भोज्य पदार्थों में घटिया या सस्ते पदार्थों की मिलावट करना। भोज्य पदार्थों में सस्ते या घटिया तत्वों की मिलावट करना, जैसे अनाज या दालों में छोटे छोटे पत्थर कंकड़ आदि मिलाना। फिर भोज्य पदार्थ अपने असली रूप या गुण वाले नहीं होते, जैसे भैंस के दूध में गाय का दूध मिलाना या दूध में पानी मिलाना आदि। फिर है हानिकारक रंग मिलाना, जैसे रंगीन शरबत, खोया, बर्फी आदि। कीटाणुओं से दूषित पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो उन्हें बेचना और भोजन में हानिकारक रंग मिला देना। फिर भोज्य पदार्थों में उनके संघटनों का उचित अनुपात में ना होना, जैसे कैसे उचित अनुपात, जैसे कि मिठाइयों में अधिक चीनी या गुड़ मिला होना। अब देखते हैं हम कि मिलावट के कारण कौन कौन से होते हैं। मिलावट के कारण अधिक लाभ कमाना, सबसे पहला क्या है, अधिक लाभ कमाना। तो भोज्य पदार्थों में मिलावट का जो मुख्य कारण विक्रेताओं की लागत से अधिक लाभ कमाना होता है, क्योंकि वे शुद्ध खाद्य पदार्थ में सस्ती वस्तुओं की मिलावट करते हैं और शुद्ध पदार्थों के दाम पर ही बेचते हैं। क्या करते हैं, शुद्ध पदार्थों में क्या करते हैं, शुद्ध खाद्य पदार्थ में सस्ती वस्तुओं की मिलावट करते हैं। और कैसे बेचते हैं उनको, जब तुमने सस्ती या खराब पदार्थों की मिलावट कर दी तो वो तो खराब हो गया, पर उसको कैसे बेचेंगे, उसको अधिक दामों में ही बेचेंगे, जैसे कि वो बहुत ही शुद्ध वस्तु को बेच रहे हैं। फिर है दूसरा, उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए, जब किसी खाद्य की मांग बहुत अधिक होती है और उसकी आपूर्ति कम होती है, तब उस खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ने के साथ साथ मिलावट भी शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, कीमत बढ़ने के साथ मिलावट भी शुरू हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है कि थोड़ी चीज भी ज्यादा दिखने लगती है, हो जाती है। अगर 1 किलो चावल है और उसमें हम 1 पाव लगभग मिला दें, सस्ते या घटिया चावल मिला दें, एक थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर मिला दें, तो क्या हो जाता है, उसका वजन बढ़ जाएगा और उसकी कीमत भी बढ़ने लगेगी। अस्थाई रूप से वजन घटाने के लिए पानी का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अनाज को तौलने से थोड़ा पहले उसमें पानी का हल्का छिड़काव कर देते हैं। इससे क्या होता है, मिलावट के साथ साथ विक्रेता उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं और ये बढ़ी हुई मात्रा सस्ती वस्तुओं या अन्य पदार्थों की होती है। फिर तीसरा, खाद्य पदार्थ का वजन बढ़ाने के लिए कुछ खाद्य पदार्थ जैसे धनिया, सोयाबीन की खली बहुत हल्के होते हैं, इनका वजन बढ़ाने के लिए इनमें कुछ वजनदार पदार्थ मिला दिए जाते हैं। इनमें क्या हो जाता है, वजन बढ़ाने के लिए वजनदार पदार्थ मिला देते हैं, जिससे उनके वजन में वृद्धि हो जाती है ना। जो हल्के पदार्थ होते हैं, इसी तरह आपने देखा होगा कि कभी सब्जियां खरीदते हैं तो उनमें अक्सर पानी डाल देते हैं।
पानी छिड़कने से क्या हो जाता है, खाद्य पदार्थ के वजन में वृद्धि हो जाती है। फिर बिक्री बढ़ाने के लिए चौथा पॉइंट है, बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ खाद्य पदार्थ जब अपने मूल रूप में रहते हैं तो देखने में आकर्षक नहीं लगते और ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। तो विक्रेता ऐसे खाद्य पदार्थ में कुछ बाह्य खाद्य पदार्थ रंग इत्यादि मिला देते हैं जिससे उनको आकर्षक बना देते हैं और उनकी बिक्री बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, रंग मिला देते हैं या ऊपर से रंग कर देते हैं जिससे उनकी बिक्री बढ़ जाती है। इन कारणों से खाद्य पदार्थों में क्या होती है, मिलावट करी जाती है। अब है खाद्य पदार्थों में मिलावट से कौन कौन सी हानियां होती हैं। खाद्य पदार्थों में रंग को मिलाने से हानिप्रद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खाद्य पदार्थों में रंगों को मिलाने से वे हानिप्रद हो जाते हैं क्योंकि रंग दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कोलता। कौन कौन से प्रकार के होते हैं रंग, प्राकृतिक और जो कृत्रिम रंग होते हैं वो होते हैं कोलता। कोलतार में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। तो क्षारीय में कुछ पदार्थों में अम्लीय तथा कुछ मिलाए जाते हैं। ये प्रायः आइसक्रीम, मिठाइयाँ, जो शरबत लेते हैं, शीतल पेय हैं, कस्टर्ड आदि में इनकी मिलावट करी जाती है। अगर प्राकृतिक है तो बहुत अच्छी बात है और उनमें जो मिलावट करते हैं कोलतार की वो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हो जाते हैं। फिर दूसरा, सरसों के तेल में पीले धतूरे के तेल की मिलावट करना। तो पीले धतूरे के तेल में क्या है, अजीमन तेल की मिलावट की जाती है। मूंगफली के तेल में अलसी का तेल मिलाया जाता है। यह मिलावट स्नायु संस्थान पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं जिससे तंतुओं में क्या होता, पानी इकट्ठा होने लगता है और हाथ पैरों में सूजन आ जाती है और यकृत का बढ़ना, पाचन संबंधी विकार और दृष्टि का धुंधला होना, ये सभी समस्याएं इससे उत्पन्न होती हैं। फिर काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाना। काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाना फिर हींग के साथ बेसन मिला दिया जाता है। हींग अच्छा महंगा खाद्य पदार्थ है, महंगा आता है तो इसमें बेसन मिला दिया जाता है और हल्दी में मेटलिन नामक पीला रंग मिला दिया जाता है जिससे शुक ग्रंथि नष्ट हो जाती है और यह रक्त को हानि पहुंचाता है। इसी तरह दालों में केसरी दाल मिलाने से भी के द्वारा भी मिलावट करी जाती है। दालचीनी के नाम पर दूसरे वृक्षों की छाल मिला दी जाती है जो स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालती है, बुरा असर डालती है। चाय में कुछ ऐसे नमूने भी पकड़े गए हैं जिनमें रंग बिरंगे आकर्षक पैकेटों में आलू का जला हुआ छिलका या चने की दाल का रंगा हुआ छिलका और लोह कण आदि मिले होते हैं। और मिठाइयों पर सबसे अधिक कहाँ होती, मिठाइयों पर शुद्ध चांदी के वर्ग के स्थान पर एल्यूमिनियम के अनेक नमूनों के द्वारा वर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थ में मिलावट को रोकने के उपाय कौन
मिलावट रोकने के उपाय में सबसे पहला है कि जनता को शिक्षित करना। अगर जनता शिक्षित होगी तो वह मिलावट कोई भी वस्तु खरीदेगी तो देख सुनकर खरीदना चाहिए, बिना देखे सुने ना खरीदें, विश्वसनीय दुकानों से खरीदें। अगर शिक्षित हो गए तो हम इन मिलावट को रोकने में सफल होंगे। फिर है उत्पादकों और व्यापारियों को कड़ाई से नियमों का पालन करवाना चाहिए। इसके लिए उन पर कड़ा सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। फिर है सीलबंद साबुत मसालों को खरीदने का सुझाव देना चाहिए। परिवार में गृहिणी ही घर का पाक कला में निपुण होती हैं प्रायः, और वही भोजन बनाती हैं, तो गृहिणियों को यह सुझाव देना चाहिए कि वह साबुत मसालों को खरीद कर फिर वो भोजन में उसका इस्तेमाल करें। फिर सीलबंद पदार्थों को ही खरीदने का सुझाव देना चाहिए। सीलबंद और लेबिल लगे पदार्थों को ही खरीदना चाहिए। फिर है हमेशा विश्वसनीय विक्रेताओं से ही खाद्य पदार्थ खरीदने चाहिए। जिस दुकान से हम खरीदते हैं वह हमारा विश्वसनीय होना चाहिए, जान पहचान का होना चाहिए। इससे क्या होता, हम मिलावट संबंधी हमको खराब सामान नहीं देगा, भले वह हमसे क्या करे, थोड़ा सा कीमत अधिक लिए सामान की, पर हमको सामान तो शुद्ध मिलेगा। फिर है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को संदेह होने पर स्थानीय स्वास्थ्य विभाग या खाद्य निरीक्षक को इसकी रिपोर्ट करना चाहिए। कोई सामान खरीद लिया, उसके बाद हमने घर गए, उसकी पैकिंग खोली, डिब्बा खोला, देखा इसमें सामान तो खराब है, हम उसका पैसा भी पूरा दे किया, हमने दाम पूरा चुकाया, हमने कीमत पूरी दी, तो इसके लिए क्या करें। अगर ऐसी स्थिति आती है, संदेह हो, शक हो, तो हम क्या कर, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग या खाद्य निरीक्षक कहाँ पर जाएंगे, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग या खाद्य निरीक्षक को इसकी रिपोर्ट करेंगे, जिससे कि यह आगे मिलावट ना हो। तो बच्चों, ये आज यहीं पर समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करती हूँ और ये सब आपकी गृह विज्ञान की बुक में भी दिए गए हैं, आप इनको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, लिखेंगे और याद भी करेंगे। बच्चों, 12वीं है, बोर्ड क्लास है, अगर आप याद नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे अच्छे नंबरों से पास होंगे। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे।